हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्रिएशन। तो आज हम इस छोटे से रुमाल से बनाएंगे चार चीज़ें। मैंने यहाँ पे लेंथ में इसमें निशान लगाया है 7.25 इंच पर। इसे मैंने सीधा ही कट कर दिया है क्योंकि जो बॉर्डर वाली साइड है ना, यहीं से मैं इसे कट करूँगी। तो यहाँ से मैंने विड्थ पे निशान लगा लिया है 3.5 इंच पर, और यहाँ से भी इसे फोल्ड करके कट कर देंगे जिससे यह बराबर की कटिंग हो। तो ये देखिए, ये हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं और सेम साइज़ के मैंने इसमें पेस्टिंग कट किया है। इसे पेस्ट कर देंगे दोनों ही पीसेज में, हमें इसे पेस्ट कर लेना है। और इसके साथ का हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है क्योंकि हैंकी के साइडों में ब्लू कलर आ रहा है, तो आप इसमें कंट्रास्ट रेड कलर भी आ रहा है वो भी ले सकते हैं। इसके भी मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसे मैंने सीधी साइड पे इसके रखा है और चारों साइड से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ दिया है जहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हम कॉर्नर निकालते हुए सीधा कर लेंगे। इसमें मैंने कट भी लगा लिए थे जिससे ये अच्छे से सीधा हो जाता है। तो इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी कर लेना है। तो इससे पहले हम इसमें थोड़ी सी शेप कर लेंगे। 1 इंच पे मैंने कॉर्नर से निशान लगाया है और इसके हम गोलाई कर देंगे। देखिए, मैंने कटिंग कर ली है और इसे भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ते हुए। कॉर्नर कट करेंगे और जहाँ से हमने शेप की थी यहाँ पे भी छोटे छोटे से कट लगा लेंगे जिससे अच्छी सी गोलाई आ जाएगी। देखिए, यह हमारा दोनों साइड से सीधा हो गया है। अब जहाँ से खुला हुआ पार्ट है इसे भी स्टिच कर लेंगे दोनों पीसेस में। हमारे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। अब जो राउंड शेप वाला है इसे हम ऊपर रखेंगे। नीचे वाले पीस को हम दोनों साइड से रख सकते हैं क्योंकि हमने ब्लू कलर कंट्रास्ट कलर लिया है। तो इसे हम कॉर्नर से स्टिच करना शुरू करेंगे गोलाई के बाद, और इसे 3 साइड से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी एक थैली सी बन जाएगी। जहाँ पे भी स्टार्टिंग और एंड है इसे हम पक्का कर देंगे। तो ये देखिए, ये एक थैली बन गई है और इसमें कॉर्नर पर मैंने टिच बटन लगा दिया। तो इसमें हम अपना स्पैक्स रख सकते हैं। यह हमारा स्पैक्स कवर बन गया है।